मुरादाबाद की कोतवाली सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 12 बैटरों के साथ अलाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके एक साथी को पुलिस अभी तलाश कर रही है। दरअसल 28 तारीख की रात को मोहम्मद नईम की दुकान से 12 बैटरों की चोरी हो गई थी। मोहम्मद नईम बैटरों की मरम्मत का काम करता है, जिसके चलते दुकान में बैटरी रखी हुई थी। नईम ने इस मामले में कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके तहत पुलिस ने धारा 457 और 380 में मामला पंजीकृत कर अपराधियों की जांच शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक कबाड़ी कूड़े के ढेर में कुछ बैटरियां उतार रहा है। तभी पुलिस ने समय रहते सतर्कता दिखाई और मौके पर पहुंचकर अलाउद्दीन नाम के एक कबाड़िये को चोरी हुए 12 बैटरों के साथ धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी अलाउद्दीन के पास से चोरी माल बरामद कर लिया गया और उसका दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। देखिए, आज 28/29 की रात में भट्टी स्ट्रीट है, एक जगह है, वहाँ के एक दुकानदार हैं नईम मियाँ। उनकी दुकान से चोरों ने रात में 12 बैटरी चोरी कर ली है। इसमें नईम मियाँ ने थाना स्थानीय पर 457-380 का मुकदमा पंजीकृत कराया। इसकी विवेचना जो है चौकी चार मंडी रविंद्र मलिक द्वारा प्रारंभ की। इस दौरान जो सूचना के आधार पर एक अलाउद्दीन नाम का कबाड़ी है, उसके यहाँ दबिश दी गई, जिसमें 12 बैटरी बरामद हो गए। अलाउद्दीन गिरफ्तार हो गया। इसका साथी चोर राशिद, जो रहने वाला ईदगाह मोहल्ले का है, वो फरार हो गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।